दोस्तों, हम लोग ये सोचते हैं गरीबी एक लंबा सफर होता है और ये सच है, लेकिन दोस्त अगर मन में कुछ बड़ा करने का हौसला है तो वो दिन दूर नहीं जहां तुम एक गरीब से अरबपति बन जाओ। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस दुनिया में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिसने गरीबी में जन्म लिया लेकिन आज अरबपति हैं। उन लोगों में से एक है करसन भाई पटेल, जिसकी आज कुल संपत्ति है 11,712 करोड़ रुपए की। आप लोगों ने निर्मल डिटर्जेंट का नाम तो सुना ही होगा ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजीगेन यूट्यूब चैनल की क्रेजी माइंड सीरीज में। आज आप जानोगे निर्मा मैन करसन भाई पटेल की बायोग्राफी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करसन भाई पटेल, जिसका पूरा नाम है करसन भाई खोरीदास पटेल, इनका जन्म 1945 में गुजरात में हुआ था। यह एक भारतीय बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और निर्मा ग्रुप जिसकी आज वैल्यूएशन 33,500 करोड़ रुपए की है, उसके ये फाउंडर भी हैं। दोस्तों, करसन भाई का जन्म किसान परिवार में हुआ। इन्होंने 21 साल की उम्र में बीएससी केमिस्ट्री से कंप्लीट की और लैब टेक्नीशियन की जॉब की। कुछ समय बाद उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और गुजरात सरकार के खनन एवं भूविज्ञान डिपार्टमेंट में नौकरी करना शुरू कर दी। दोस्तों, करसन भाई सरकारी नौकरी तो कर ही रहे थे लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने का जज्बा रहता था, इसलिए उनका मन नौकरी में नहीं लगता था। इस दौरान एक दिन उनके मन में आइडिया आया कि कोई ऐसा डिटर्जेंट पाउडर तैयार किया जाए जो क्वालिटी में एकदम साबुन की तरह धुलाई कर सके और उसकी कीमत साबुन से और जो डिटर्जेंट पाउडर उस समय मार्केट में चल रहे थे उससे थोड़ा कम हो, जिससे कि कम इनकम वाले लोग भी इसको खरीद सकें। बस इसी आइडिया पे उन्होंने इसको लैब में बनाना शुरू किया और इन्हें सफलता मिली। इन्होंने पीले रंग का एक ऐसा पाउडर तैयार कर लिया जिसको कम पैसों में बेचा जा सके। अब उनके साथ प्रॉब्लम ये आई कि इस डिटर्जेंट का उत्पादन कैसे करें, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एक फैक्ट्री लगा सकें या किसी इंसान को सैलरी पे अपने साथ रख सकें। इसलिए उन्होंने खुद ही अपने घर के पीछे इसका उत्पादन शुरू किया और नौकरी से बचे हुए टाइम में वे अपना वह देते थे पाउडर बनाने को और अपने हाथों से पाउडर बनाते थे। पाउडर बनाने के बाद वह पाउडर के 10-15 पैकेट अपनी साइकिल पर रखकर रोजाना सुबह शाम नौकरी पर जाते और आते समय उसको बेच दिया करते थे। वह लोगों से कहते थे कि एक बार प्रयोग करें और पसंद ना आए तो पैसे वापस। उन्होंने अपने डिटर्जेंट पाउडर की कीमत 3 रुपए पर केजी रखी थी, जबकि और डिटर्जेंट पाउडर कंपनी 12 से 13 रुपए के बीच में इसको बेच रही थी। इसके चलते उनका पाउडर सबको पसंद आया। 1969 में उनके डिटर्जेंट की डिमांड इतनी बढ़ गई कि वे अकेले इसकी सप्लाई नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई। फिर शुरुआत हुई उस पाउडर की जिसे हम और आप आज अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका नाम है निर्मा। करसन भाई पटेल ने निर्मा नाम अपनी पुत्री निरुपमा के नाम पर रखा था। 1999 तक आते आते निर्मा एक ऐसा ब्रांड बन गया था जिसने निर्मा डिटर्जेंट, निर्मा बात, निर्मा ब्यूटी सोप, निर्मा डिटर्जेंट आदि प्रोडक्ट बनाने लगा था। आज निर्मा ग्रुप में 18,000 से ज्यादा एम्प्लॉयड वर्क करते हैं और आज निर्मा ग्रुप की नेटवर्थ लगभग 11,712 करोड़ रुपए की है। करसन भाई ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान किया है। उन्होंने अहमदाबाद में, गुजरात में अपने कॉलेजेस बनाए हैं, जिसमें से 2-3 कॉलेज में आपको नाम बताता हूँ। निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और भी बहुत से कॉलेज उन्होंने बनाए हैं और ये सारे इंस्टीट्यूट जो है निर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। करसन भाई भारत के अमीरों की सूची में 50वें स्थान पर है, जिसकी संपत्ति है 11,712 करोड़ रुपए की। फ्रेंड्स, मेरा इस स्टोरी को बताने का, इस बायोग्राफी को बताने का सिर्फ मोटिव इतना था कि हम लोग इनकी बायोग्राफी से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि जब ये कर सकते हैं, किसान का लड़का जब इतनी सारी चीजों को कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बस मेरा मोटिव यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करके लोगों तक बताओ कि ऐसे भी इंसान थे जिसे, जो किसान के बेटे भी रह चुके हैं और आज 50वें स्थान पर इंडिया में उनकी जगह है कुल संपत्तियों में।